गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग करने की, क्योंकि मैं चैनल मेंटेन नहीं रह पाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, तो ये किस बात की है। सो अभी मैं उठ गई हूँ और मैंने अपनी क्लास भी ले ली है। 11:30 मेरी क्लास होती है, तो वो मैंने करके और अभी काम कर रही हैं, बच्चे काम करने आते हैं तो वो काम कर रही हैं और मैं अपना फॉलोइंग कर लेती हूँ, अपना बिस्तर वगैरह। तो या मैंने अपना ये बेड वेड लगा लिया है सही से। ऐसा सच कुछ ज़्यादा है नहीं सामान, क्योंकि हम रेंट पर रहते हैं और क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे तो यहाँ मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है मौसम आज, एकदम से आप देख सकते हैं। ठंड के हमारे वो लपेट के सो रही है, इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है आज, ठंड हो रही है यहाँ पे और झाड़ू वगैरह लग गई है। किचन में बर्तन क्लीन कर रही है वो, और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने कल रात में अपने कपड़े वॉश किए थे, मुझे उसको सुखाने डालना है, फैलाना है। वैसे ऑटोमेटिक मशीन का बहुत फ़ायदा होता है कि आपको ये झंझट नहीं करने पड़ते, पानी वैसे उधर डालना उधर से ये सब नहीं करना पड़ता है। तो आई रिकमेंड कि आप जब भी वॉशिंग मशीन लें, थोड़ी सी अगर महंगी भी आती है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप ठंड वंड में क्या ही करेंगे पानी बदल के, तो आप ऑटोमेटिक मशीन लें। तो यहाँ पे जो मेरा बाकी का सामान है वो यहाँ पर मैंने ऐसे लगा रखा है, एक्स्ट्रा सामान है ये, कुछ बैग्स वगैरह। इतने ठंडे हो रहे हैं कपड़े, इतने ठंडे हो रहे हैं। चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। कपड़े हम बाहर डालेंगे, मौसम तो बाहर बहुत ख़राब है, क्या करेंगे हम, कपड़े कहाँ सुखाएंगे, तो डालने तो यहीं पर पड़ेंगे। कपड़े तो बाहर डाल दिए लेकिन सारे नहीं डाल पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सूख पाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ देख सकते हैं आपका हालत हो गया है कपड़े डालने में। हाय मेरे फिंगर्स बहुत जम गई है, चीन एकदम क्लीन हो गए और यहाँ पे ये दूध बॉयल हो चुका है। 12:30 करीब हो गए हैं और काम वाम करके चले गए वो। अब मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है, चाय पीऊँगी मैं और ब्रेड खाऊँगी बस। ब्रेकफास्ट मैं अपने लिए बना रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पति मेरे हैं नहीं है, पति का पता नहीं है कि वो कहाँ है और कब तक आएंगे। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके उनको पूछ लेती हूँ कि दोपहर में खाने में क्या बनाना है, अगर वो आएंगे तो ही बनाना, नहीं तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्या करूँगी यार इतनी मेहनत करके। तो चाय बना रही हूँ, चाय बन रही है। चाय बन गई है, डेट ले लेंगे। तो ये रहा मेरे ब्रेकफास्ट, सिंपल सा
चाय, ब्रेड एंड बटर, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि खाने में आगे क्या बनाना है क्या नहीं, तो उसके बाद मैं आपको सुनाती हूँ। सो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, मेरा पति आ गया है एंड आई एम मेकिंग टी फॉर हिम। चाय के साथ कुछ और खाओगे? कुछ तो खा लो। अच्छा, और खाने में क्या बनाए? खाने में नथिंग, विल गो आउटसाइड फॉर लंच और डिनर। इसके लिए बोल रहे हो क्या? मेरे लिए कितने खराब हो तुम, सब खा चुके हो अभी, अंडे का ऑमलेट। नो, यू डिडंट गिव मी एनीथिंग टू ईट। ओह, झूठे। आई एम हंग्री सिंस लास्ट इवनिंग। हाय, झूठे। ये किसने खाया? ये किसने खाया? ये आई डोंट नो, मे बी यू हैव। झूठे। इससे पहले तुमने क्या खाया था? Nothing. क्या हुआ? कुछ तो खाया था? No, I didn't. चाय निकल जाएगी। बच गई। So, yeah, मैं चाय बना के देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। कैसी बनी है चाय? गुड गुड। मजा आया हुआ? देखो चाय का कलर कितना कितना सही है यार। कहीं चल रहे हैं हम लोग? तो हमारे क्या प्लान है, कहीं चल रहे हैं? कहीं चल रहे हैं क्या? कहाँ जाना है आपको? ये इतने ओवर एक्टिंग तो करो मत। ये मत देखो इसमें कुछ है। हाँ भैया, कहाँ चलना है? बिहेव नॉर्मली। ऐसे मतलब यार कहीं चलना है? ओके, ऐसे नहीं, कहीं जा रहे हैं बताओ। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फिनिश माय वर्क, आफ्टर दैट आई विल टेल यू। ओके, हस्बैंड ने कॉल आया कि कहीं चलना है, सो गेट रेडी देन। आई एम रेडी, आई एम जस्ट गोइंग लाइक दिस। या नीचे आ जाऊं? ओके, अब हम जा रहे हैं। मास्क कौन सा लूँ, ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ, एस के वाला लूँ या फिर ये आई वाला लूँ? कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ? आई वाला लेती हूँ, ए वेल आई, क्योंकि ऐसा कहते हैं सब, मैं नहीं कहती कि तुम्हें नज़र बहुत लगती है, पता नहीं क्यों लगती है, लेकिन चलो मैं ये वाला ले लेती हूँ। ऑल्दो आई हैव अ पेंडेंट ऑफ ए वेल आई, और मैं उसको बहुत पहने रह भी रहती हूँ, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, बट फिर भी होती है मेरे साथ चीज़ें ख़राब। आई नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। सो या, लेट्स गो, वी आर गोइंग समवेयर, आई डोंट नो वेयर, देयर माय हस्बैंड इज वेटिंग फॉर मी। वैसे हम लोग किस साइड जा रहे हैं? सदर। सदर जा रहे हैं? खास प्रॉपर सदर? अच्छा, सदर की वो कटोरी चाट मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुमने खाई है ना? हमें बहुत अच्छी लगती है कटोरी चाट, बहुत अच्छी लगती है वो, उसमें वो टमाटर, आलू और वो नमकीन ऐसे डालकर देते हैं ऊपर से। तो या बेटा, yes. गाड़ी चलाते हैं तो फोन नहीं चलाते हैं। गुड बॉय। ट्रैफिक किस बात का यार, इतना बिल्कुल ऐसे चल रही है गाड़ी, सो रो के। हम हस्बैंड गए हैं काम से और मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में। आई थिंक आज मैं घर जाऊँगी, अपने घर जाऊँगी। अभी डिसाइडेड नहीं है, कंफर्म नहीं है एक्चुअली, तो अभी हम ये नहीं कह सकते, अभी ऐसे ऐसे है 50-50। सो या, एक या दो दिन के लिए, उसके बाद आ जाऊँगी वापस। अगर जाऊँगी तो मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मैं खा रही हूँ अपनी फेवरेट कटोरी चाट। कैसी लगी बताओ? बेकार। मैं वैसे दूसरी वाले से लेती हूँ आज, मैंने जल्दी जल्दी मैं इस वाले से ले ली, उस पर थोड़ी भीड़ थी,
उसकी बहुत टेस्टी होती है। इसने लहसुन की चटनी डाल दी इसमें, अच्छी है फिर भी। तो मैं घर चली जाऊं। That's your decision. अब हम आ गए वापस घर, हस्बैंड पीछे पीछे आ रहे हैं और अब हम मतलब मैं जा रही हूँ अपने घर, ठीक है। पहले मैं खाना दे देती हूँ। मैं कबाब कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इससे लेती हूँ पहले, ये मैंने कीमा लिया, what are you doing? I'm making kebab for you. Oh, kebab. Yes. Hi guys. मैं जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। क्या क्या रखना है पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। चलो मैं आपको पैकिंग करने के बाद मिलती हूँ। तो सारा सामान मेरे साथ, क्योंकि क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रही है, इसका करके अब हम वापस जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं ये भी मैं नहीं जा रहा हूँ। Maybe have it. Oh. When I talk to someone, then the expressions with my hands comes out. Naturally. पहली बार देख रही हूँ मैं तुम्हारे expressions coming out. No, you are wrong. Please don't say it. Oh bhai, मेरे घुटने में लग गई बहुत तेज। क्या कर रहे हो? घर पहुँचा दो। एकदम sudden plan बना। घर वालों को अभी तक पता नहीं है और मैंने बताया भी नहीं अभी, तो मैं भी उनको फोन करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने घर। हम लोगों ने खाने खा लिया, सब खा लिया, लेकिन मैं व्लॉग करना ही भूल गई। ये रही मेरी एक चुप रही। अच्छा मैं नहीं दिखा। ये रही दूसरी, ये रही मम्मी। भाभी भी चली गई। ये रही भाभी। ये सब चुप क्यों रहे हैं? इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि अच्छी हालत में नहीं। ये किसने कह दिया? तो मैं इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड मैं आप कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहने की और मैं कंटिन्यू व्लॉग करूँगी। सो या, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें गाइस, प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।